दिग्गज समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राजद और जदयू के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस मामले में सबसे पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि रघुवंश बाबू के निधन के बाद जो चिट्ठियों की प्रक्रिया है, इस पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साजिश रचते हुए सारी चिट्ठियाँ जारी करवाई थी। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के निखिल आनंद ने कहा है कि नीतीश कुमार पर हमला करने से पहले यह जान लें कि राष्ट्रीय जनता दल तो जाहिल और अनपढ़ों की पार्टी है, वहां पर विद्वान का क्या कद्र होगा। ऐसे में उन्होंने यहां तक कह दिया कि रघुवंश बाबू की आह लगेगी और राष्ट्रीय जनता दल ध्वस्त हो जाएगा। तो इस स्तर तक की जो राजनीति पहुंचती जा रही है, इस मामले में अब यह सियासत तेज हो गई है और यह सवाल भी खड़ा होने लगा है कि कोई इंसान अगर आईसीयू में भर्ती था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा था, तो वह इंसान चिट्ठियां कैसे लिख सकता है। इस मामले में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कहीं षड्यंत्र की बात आ रही है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक अनोखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रघुवंश बाबू ने यह चिट्ठियां पहले ही लिख रखी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम जो भी चिट्ठियां रघुवंश प्रसाद सिंह ने जारी किया, वह चिट्ठियां 3 महीने पहले ही लिख दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि आप सोच सकते हैं किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता किस मन से 3 महीना पहले विरोधी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा होगा। वह पार्टी से कितने आहत थे, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। संजय जायसवाल ने यहाँ तक कहा है कि तेजस्वी यादव ने उसी व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जिसने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान की थी, जिसने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके सिद्धांत को लिखे थे। उसी नेता को तेजस्वी यादव ने दूध में पड़ी किसी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ऐसे में तो आहत होना लाजमी है। आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह चिट्ठी कैसे लिखी गई। कोई व्यक्ति आईसीयू में या वेंटिलेटर पर रहता है तो चिट्ठी कैसे लिखी गई, इसका एक जवाब के रूप में इसे देखा जा रहा है कि संजय जायसवाल का जो स्पष्टीकरण है कि मुख्यमंत्री के नाम जो चिट्ठी लिखी गई थी वह 3 महीने पुरानी चिट्ठी थी। आप सभी को मालूम है कि यह चिट्ठी रघुवंश प्रसाद सिंह ने कई सारी मांगों को लिखते हुए की थी। इसमें उन्होंने जल संसाधन मंत्री के नाम भी चिट्ठियां लिखी थी और इनकी जो मुख्य रूप से चिट्ठी थी कि वैशाली में गणतंत्र दिवस के दिन खुद मुख्यमंत्री जाकर के वहां झंडोत्तोलन करें और काबुल में जो भिक्षा पात्र रखा हुआ है उसे वापस वैशाली लाया जाए। इन सारी मांगों की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे सियासी रंग दे दिया गया। ऐसा लगने लगा था कि रघुवंश बाबू जैसे ही ठीक हो जाएंगे वह जदयू में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रघुवंश बाबू ने पहले ही अलविदा कह दिया दुनिया को। तो ऐसी परिस्थिति में राजद के लिए भी यह एक आरोप लगने लगा राजद पर कि राजद ने उनके प्रति उदासीनता दिखाई, उन्हें जो है पार्टी से किनारे करने की कोशिश की, जिस कारण रघुवंश बाबू आहत हो गए थे। इस वजह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नाम भी चिट्ठी लिख दी थी कि 32 वर्षों तक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव के साथ में खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं होता। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नाम ही यह चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब और मैं राजद का साथ नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने मरने से, उनके निधन से कुछ दिन पहले ही रघुवंश बाबू ने यह सारी चिट्ठियां लिख दी थी। उन्होंने शायद यह आभास उन्हें ये इस बात का हो गया था कि अब वो शायद ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। लेकिन यह चर्चा तेज थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जदयू में शामिल हो सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं, रघुवंश बाबू का निधन हो गया। लेकिन अंदर के लोग बताते हैं, सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जिस समाजवाद की परिभाषा रघुवंश बाबू ने गढ़ी थी, जिस व्यक्तिगत छवि के वो लोग थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था, यह स्पष्ट करता था कि वह शायद 32 वर्षों तक राजद में रहने के बाद, लालू प्रसाद यादव का साथ देने के बाद, किसी और पार्टी में जाने की सोच भी नहीं सकते थे। शायद वो राजद से अलविदा कहने के बाद वह आराम करते, राजनीति से संन्यास ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने दुनिया को ही अलविदा कह दिया।
अब सियासत इस बात की हो रही है कि रघुवंश बाबू का सहानुभूति वोट जो है वह किसके पाले में पड़ने वाला है। जदयू राजद पर आरोप लगा रहा है कि उनकी निष्क्रियता की वजह से रघुवंश बाबू आज इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं जदयू पर आरोप लगाया जा रहा है कि चिट्ठियां लिखकर राजद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।